ये बेड है या माल गोदाम? इतना सारा सामान भर दिए, हटाएंगे एक एक करके। अपना सामान जल्दी हटाओ तो मन आएगा सोएगा कहाँ। और पहली ही बॉल पर बोल्ड, क्या हो गया ये सीनियर खिलाड़ी का हाल? पूरा बॉल, शानदार डिफेंस, अच्छा शॉट था बट रन नहीं आ पाया। यही बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे, लेकिन फिर से अफसोस के रन नहीं आ। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं बोलेगी, जैसे कैमरा ऑन हुआ बस बाय भागो। अभी कुछ बोल रही थी, बोले क्या? जाओ जाओ, यहाँ चल रही है बथुर साग बनाने की तैयारी, और तुम ब्रश भी नहीं की है। जाओ जल्दी ब्रश करो, बदबू आ रहा है। वीडियो में चलो अच्छे से सबको धो लो, अच्छे से बना दो, फिर मेरा पैर दबा देना, फिर मालिश कर देना। इससे मालिश नहीं किया जाता है, हाथ से किया जाता है। ठीक है जी, इसको अपना काम करने देते हैं और हम चलते हैं नहाने और अपने काम धाम पर बैठते हैं। इन्होंने दो दिन से नहाया नहीं, ये नहीं बोलेंगे हम अभी तक ब्रश नहीं किए तो बोल दिया ना। गलत बात, ये सोचते हैं कि डेली नहा ले, लेकिन डेली नहाया हो नहीं पाता है। हर दिन क्या होता है, सोचते हैं थोड़ा देर रुक के कुछ देर बाद नहाएंगे, एक घंटा, वो एक घंटा जो बढ़ते जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते हो जाता है शाम। फिर हम खुद बोलते हैं कि अभी मत नहाओ, ठंडी लग जाएगी। बताइए, देखिए बोलते ठीक है, तुम बोल रही हो तो नहीं नहाते। देखिए जी, पत्नी कितनी केयरिंग है, तो मेरे नहीं नहाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसका है, आपका है। ये आया है जी मीशो से कुछ सामान, और मीशो से जो है जिया ने ढेर सारी शॉपिंग करी है, तो अनबॉक्सिंग फिर उसमें तो बहुत मजा आता है, कोई भी सामान आता है उसको खोलने में। यहाँ पर बात माँ कर रही है नानी की और उनके त्याग और समर्पण की। जब तक पढ़ लिख के कुछ करेगी तब तक उसका शादी। तुम कह रहे थे हम जानते नहीं रहे क्या, तुम तो खाली कहते निगरानी को, जी इन सास वालों के बीच जो मेन चर्चा का टॉपिक है वह मैं ही हूँ, और वह मेरी आदत जो सामान को इधर से उधर रखने की है, चाहे भींगा हुआ टॉवेल बेड पर छोड़ देना हो, चाहे किसी सामान को गलत जगह पर रख देना। और जब माँ नहीं रहती है तो माँ के इसी प्यारी सी डांट को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तीन बॉल हुआ भाई, ठीक है, तीन बॉल 17 रन। जी हम आए हुए हैं यहाँ पार्क में और खेल रहे हैं क्रिकेट, और ये हमारा पवेलियन है, ये बैठने वाला जो स्थान है, और उधर देख रहे हैं कि क्रिकेट चल रहा है, हमारी टीम बैटिंग कर रही है। कितना रन हुआ अभी? 21 रन हो गई है दो ओवर में 21। वाह अच्छा स्टार्ट है, 8 ओवर का मैच है, इंतजार कर रहे हैं कब हमारा बैट्समैन आउट हो और बैटिंग पर जाएंगे हम। हमारा हो गया बैटिंग और आउट होकर के आगे हैं, अच्छा लगा कि 3-4 चौके लगा दिए हैं। लास्ट का दो बॉल हमारा हो गया फर्स्ट इनिंग का बैटिंग, और स्कोर है 8 ओवर में 82 रन, जीत के लिए 83, तो अच्छा खासा टोटल दे दिया है, देखते हैं जीतते हैं कि नहीं। लियन में अब यहाँ पर, और हम हैं बॉलिंग साइड अब। और पहली बॉल पर बोल्ड, क्या हो गया ये सीनियर खिलाड़ी का हाल? पहली ही बॉल पर बोल्ड। और ये बॉलर हैट्रिक पर, हैट्रिक पे भाई, हैट्रिक आ गया, कैरी नहीं करेगा बॉल।
ओ भाई अच्छा बॉल फेंकता है यार, तब हैट्रिक लेता है। तो ये हैट्रिक का चांस जा चुका। पहला मैच जो है हम लोग जीत चुके हैं और अच्छे खासी रन से जीत गए। कितना पर ऑल आउट हो गए लोग? 31 ऋषभ की डिमांड पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपनी शानदार बैटिंग दिखाना चाहते हैं, जैसे आपने अभी देखा एक शानदार शॉट है इनका। पैर में क्रैम्प ले लिया भाई और ये शानदार शॉट, लेकिन यह बेनतीजा रहा, नतीजा निकल गया, आउट हो गया। और बॉल शानदार डिफेंस, अच्छा शॉट था बट रन नहीं आ पाया। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे, लेकिन फिर से अफसोस के रन नहीं आ पाया। 3 hours later और यहाँ देख सकते हैं आप पतिदेव कैसे खा रहे हैं। ये मेरे हाथ में क्यों दे दी है चम्मच और दोनों में चम्मच से खाएंगे हम। बहुत बढ़िया। और जी जब भी माँ व्रत में रहती है, चाहे जिया कभी कभी व्रत में रहती है, तो उसका फायदा हम उठाते हैं। ये लोग पूरा तो खीर खा नहीं पाती, जैसे साबूदाना का खीर है तो माँ पूरा खा नहीं पा रही है, निपटाना हमें ही है, फिर तो मजे से खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, खाइए खाइए, आप ही के तो मजे है। आज भोज भी है। भोज भी खाने जाएंगे, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर हमारे घर का जो एक नियमित रूटीन है वह फॉलो हो रहा है। नियमित से ज्यादा हो चुका है। नियमित से ज्यादा हो गया है। शाम में कम से कम 2 से 3 बार बनता था, ये चौथा वाला, क्योंकि गेस्ट आ गया ना, एक रीजन और मिल गया फिर। हाँ। क्या नहीं, हमको नहीं पीना है, तुम बनाओ तुम पियो, हमें नहीं पीना। इतना ज्यादा चाय पिलाएगी तो हमको भी आदत हो जाए। ये बेड है या माल गोदाम? इतना सारा सामान भर दिया, कोई नहीं कोई नहीं, वो आ रहा है 2 जनवरी को। ये जो सारा सामान है लगभग इसमें से 90% जिया का सामान है। तो क्या क्या खरीदी है? तो ये सब हम इसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि हम क्या क्या खरीदे, और एक वीडियो में तो कैप्चर नहीं हो सकता है, तो अलग अलग वीडियो बना करके हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या लिए हैं। बहुत बढ़िया, हमको नहीं लगता एक वीडियो में आएगा। ठीक है जी, तो आप लोग इंतजार करिए, और वह वीडियो आएगा शायद जनवरी में, तो जनवरी का इंतजार करिए। और ये हमारा सब्जी स्टैंड जो मीशो से ही मंगवाया था हमने, तो ये तो हमने सोचा था कि ये सारे सामान को खोलेंगे जब ऊपर शिफ्ट करेंगे, लेकिन ऊपर शिफ्ट होने का अभी तक तो प्लान नजर नहीं आ रहा है। डैडी बोले निकाल दो, सब्जी रखने में दिक्कत होता। तो यहाँ सब्जी निकाल रही है, सब्जी स्टैंड सॉरी निकाल रही है, और जब हमारे घर में पूजा हो जाएगी तब हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे। कब शिफ्ट होंगे दीदी? सरस्वती पूजा के दिन। सरस्वती पूजा के दिन, चलो अच्छा दिन है। कैसा है माँ, देखिए। अच्छा कहाँ पहिया? अच्छा ये रहा पहिया, इसका लगाओ इसको। तो जिया यहाँ खा रही है फ्राइड राइस, और खुद आ रहे हैं। कहीं जाने नहीं गई तो खाओ यही, क्या करेंगे। और डैडी का भी भोज था, वो अलग जगह पे गए थे, और माँ का था फास्ट, और बचे हम, तो हम खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, खाओ निपटाओ। तो इस व्लॉग को हम लोग अब यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दे, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और जी एक शेयर तो बिल्कुल कर दे, एक आप शेयर करते हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी से। बाय।